हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और मेरे चैनल का नाम है अजय ट्यूटोरियल। मैं कर रहा हूँ आपकी मुश्किलें आसान। और एक और छोटी सी क्लिप यहाँ पर आप लोगों के लिए, मेयर्स रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स में। मेयर्स रिलेशन इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, जो कि नहीं समझता हमको, डिफ़िकल्ट लगता है या फिर इंपॉर्टेंट होते हुए भी हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट छोटे थोड़े बहुत नहीं समझ रहे। तो ये सिंपल से एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझा देने वाला हूँ। यहाँ पर डायग्राम का हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बुक में ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया हुआ। तो मैं तुमको ये जो डिस्क्रिप्शन लिखना होता है हमको डेरिवेशन या कोई भी छोटे से डिराइव फार्मूला डिराइव करते समय, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं डायग्राम के फॉर्म में ले लिया। आप इसको वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखते समय वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। ये जो दिख रहा है यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ये आपने बहुत बार ये सब डायग्राम देखे होंगे। इसमें ये जो एक छोटा सा मैंने कह लिया कंटेनर बोल सकते हो, राइट, यहाँ पर छोटा सा कंटेनर है, दो कंटेनर है हमारे पास। एक ये कंटेनर है, एक क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है तो मैं इसको 2 लूँगा और इसको कंटेनर 1 लेता हूँ। बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, अच्छे समझ दो। देखो यहाँ पे फटाफट मैं बताता हूँ। सपोज हमारे पास ये गैस इसके अंदर भरी हुई है, कोई एक गैस, और इस गैस के इतने रेगुलर शेप में नहीं अरेंज होते, रैंडमली अरेंज होते हैं ये मॉलिक्यूल्स ऐसे, राइट। ये गैस भरी हुई है, दोनों कंटेनर के अंदर सेम टाइप की गैस लिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट किया। हमने हीट प्रोवाइड करना है इसको। हीट प्रोवाइड कैसे करना है, देखो यहाँ पर मैं इसको, तो पहले एक बर्नर दिखा देता हूँ, एक जस्ट ऐसे ही इसको मैं हीट करूँगा। लेकिन अब जानते हो कोई भी गैस को हीट करते हैं तो दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिया जाता है, दूसरे को कांस्टेंट प्रेशर पर। मतलब एक में वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया जाता है, दूसरे में प्रेशर को चेंज नहीं होने दिया जाता है, और टेम्परेचर तो दोनों में ही चेंज होगा अगर हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम ले रहे। तो ये बर्नर मैंने अप्लाई किया और यहाँ से जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ फर्स्ट केस को DQ1, और यहाँ से जो हीट इसको मिल रही है कंटेनर को, ये DQ2 है, राइट। तो एक में हमने क्या किया है, वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया है, दूसरे में प्रेशर को चेंज नहीं होने दिया, दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब इसमें जो हमने हीट दे रहे हैं, अब उससे क्या हुआ, देखो पहले वाले में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब पिस्टन मूव नहीं करेगा, क्योंकि पिस्टन मूव करने का मतलब ये स्पेस चेंज हो जाएगा, स्पेस अंदर का चेंज होगा, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना मतलब पिस्टन मूव नहीं करता, नो डिस्प्लेसमेंट। तो हमने हीट दिया, एनर्जी दी, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या, अंदर ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो सब ऐसे वाइब्रेशन इनका बढ़ गया, मतलब एनर्जी बढ़ गई है। तो हमने जो हीट दिया वो सिर्फ यूज़ हुई इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। और ये हीट का फॉर्मूला अगर हम लोग बेसिक फार्मूला Q=ma/ΔT से ले, मतलब मास इंटू हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो उसी का मॉडिफाइड फॉर्म या फिर नंबर ऑफ मोल यहाँ पे 1 है, तो मास हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर, राइट। ये एक इक्वेशन आता है, कैसे आया, देखो हमने हीट सप्लाई किया, एनर्जी चेंज हुई, और इसको दूसरे फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, हीट की वैल्यू कितनी थी, CV×dT। अब ये दूसरे वाले केस में हम लोग देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन बनाना हमको। सेकेंड इक्वेशन में हम हीट दे रहे हैं जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है, प्रेशर। अब देखो हीट दोगे तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कोलाइड होंगे, इससे भी कोलाइड होंगे, वॉल से प्रेशर इंक्रीज होगा, कहने का मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो पिस्टन को मूव करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, पिस्टन डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं हम लोग। सो सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। तो कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी तो बढ़ ही रही है, साथ में पिस्टन भी मूव कर रहा है। तो इस केस में DQ2 जो हमने सप्लाई दिया था, DQ2 से दो काम हो रहा है, एक तो हो रहा है DE एनर्जी बढ़ रही है, प्लस वर्क भी हो रहा है, और इसकी भी वैल्यू कैसे लिखेंगे, CP×dT। ये दोनों ही फॉर्मूले का, ये जो CP×dT कैसे आता है, इसके लिए सिर्फ ये याद रखो, हमने बहुत पहले पढ़ा है ms∆T। अब इसमें नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 1 ले ली गई है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जिसको हम CV लिख रहे हैं और CP लिख रहे हैं, और ये ΔT। तो समझ गए होगे कहाँ से आया है ये, राइट। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन, ये तुम्हारे बुक में ये नहीं बताया गया, मैं छोटे से बता ही देता हूँ, छोड़ो।
ओके चलो इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में डी ई जो है यहाँ पर डी ई दिया हुआ है सी वी इंटू डी टी, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ सीधा सीधा बाय यूजिंग इक्वेशन वन. वी कैन राइट बाय यूजिंग इक्वेशन वन, वी कैन राइट इक्वेशन टू मॉडिफाई करके. हाँ इक्वेशन टू में डी ई की जगह पे सी वी इंटू डी टी रखो, अब हो जाएगा ये फटाफट, और प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी पी इंटू डी टी. ओके अब देखो ये सी पी और सी वी को साथ में ले लो, डी टी कॉमन आ सकता है, सी पी डी टी मतलब इसको इस साइड लेके चले जाता हूँ, तो डी वी डी डब्ल्यू को नहीं हटाना पड़ेगा मुझे, तो हमको सी वी को दूसरी तरफ लेके जाना, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इक्वेशन आ जाएगा सी पी डी टी, और उस साइड से आ रहा है तो माइनस सी वी डी टी, राइट. तो माइनस सी वी डी टी अब कॉमन लेंगे हम लोग, क्या कॉमन आएगा सी पी माइनस सी वी के बाद में कॉमन आता है डी टी. चलो डी डब्ल्यू तो मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर थ्री ले लेते हैं. अब क्या करते हैं ये पहले वर्क डन फाइंड करते हैं. अब वर्क का फॉर्मूला अगर सीधा सीधा लिखूँ तो मिल सकता है तुमको प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. तो अब ये इक्वेशन बन जाता है हमारा सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी. लेकिन ये प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम का एक फॉर्मूला बनता है, कैसे बनेगा यहाँ पे छोटे से हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही शॉर्टली. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल, वन है आर इंटू टी, राइट. अब इसको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है दूसरे वाले केस में, तो डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आर भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है चेंज होगा तो टेम्परेचर, मतलब इस रिलेशन से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो आर डी टी इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, राइट. तो ये हो गया आपका डी टी, डी टी कैंसिल, राइट. तो फाइनली मुझे मिलता है सी वी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर. ये हो गया मेयर्स रिलेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, राइट.